Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लग रही आपको नजर आता है? पहले नजर नहीं आता था लेकिन अब मेरी आंखों ने देखना शुरू कर दिया। तो अपनी आंखों नजरों को कहें कि हाथ में आपके कहने का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान पहले भी झगड़ा हुआ है? झगड़ा ही तो होता है। आज शादी को इतने साल हुए, मैंने कभी उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नहीं देखा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? मैं वहां जाकर क्या करूंगी जहां मेरी जरूरत नहीं है? अब कभी भी शावेज को और बीजी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। खुश रहो। चलो 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 चलो। तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत जोर से स्मार्ट समझती हैं। देखो पानी का कोई मजाक नहीं करना। शदीद स्मार्ट समझते हैं आप। बहुत मुश्किल से सीधे रास्ते पर आई हो तुम। इस तरह से दोबारा भागने नहीं दूंगा मैं। मैं कहीं भागना नहीं चाहती, और वैसे भी मिशी को रोकना हर किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तक जो तुम मेरे साथ थी किसी मजबूरी के तहत थी, राइट? हाँ बिल्कुल, और इतनी बड़ी मजबूरी है जिसका नाम है मोहब्बत, और इस मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली। Promise. मैं नाराज हूँ। हीरा कैसी हो तुम? जब से मैंने खबर सुनी ना मुझे तो सबर ही नहीं हो रहा। यकीन करो जैसे मैंने खबर सुनी बस फौरन मैंने फोन उठाया और मैंने फौरन तुम्हें फोन मिला है। अरे बेजी आप तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, पता तो चले कि बात क्या है। वजह ऐसी है ना, अगर तुम भी सुनोगी ना यकीनन तुम खुशी से झूम जाओगी, और अगर भाई साहब ने सुना ना तो दौड़े चले आएंगे, यकीन करो तुम। अब यकीन जाने, अब तो मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। बताएं कि बात क्या है। खबर ये है कि तुम नानी बनने वाली हो और मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम बताओ मुझे खबर है ऐसी कि नहीं? सच में? क्या हमारी मिशी माँ बनने वाली है? बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया और तुम सबसे पहली जिसको मैंने फोन किया। सच में बहुत खुश हूँ हीरा, बहुत खुश। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अभी हसन साहब को बताती हूँ, वो तो वाकई खुशी से पागल हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे, बात ही ऐसी है। अच्छा हीरा तुमने ऐसा करना है कि तुमने फरा को और भाई साहब को खबर करनी है। बिल्कुल जरूर, खुदा हाफिज़। अल्लाह ने आपको दो प्यारी सी बेटियां दी, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर अब वो उस दुनिया में नहीं है। मैं इसलिए बुलाया था कि आज से हमारी सारी जायदाद के कस्टोडियन तुम हो, और ये सारी जायदाद मेरी बच्चियों की अमानत है तुम्हारे पास। कल जब वो समझदार हो जाए तो उन्हें जरूर बताना कि उनके नाना ने उनको ये तोहफा दिया था। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल आखिरी नहीं वाला, आई प्रॉमिस, प्लीज खा लो। प्लीज मुझे नहीं खाना, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देखो कम से कम खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए खा लो प्लीज, मेरा मतलब हमारे बच्चे के लिए। अच्छा इसका मतलब है कि बच्चे की वजह से मेरी इतनी केयर हो रही है। ठीक है बेटा मैं भी पापा के पास चली आऊंगी, देखना कितना ख्याल रखेंगे मेरा। मतलब माँ बनने वाली हो तुम,
और खोपड़ी तुम्हारी आज तक वही उल्टी की उल्टी है। देखो माँ अच्छी होती है ना तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यार। मुझे मेरे बच्चों के पापा पे पूरा यकीन है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने बड़े इडियट थे ना, हमने जिंदगी के पूरा एक साल लड़ झगड़ के गुजार दिया। हाँ ये तो है, लेकिन अब देखना मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम परेशान हो जाओगे। परेशान करूं? ये निवाला खाओ, चलो। नहीं प्लीज खुद खा लो। यम्मी, बहुत मजा आएगा। बस आई एम डन प्लीज। ठीक है पर रात में नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मिशी को अस्पताल जाने में बहुत दिन थे उसकी डिलीवरी में, ये सब कैसे हो गया? बस मुझे भी अभी शावेश ने फोन करके बताया कि मिशी स्लिप हो गई, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया और आपको तो पता है कि उसके ट्विन्स हैं, इसलिए डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का कहा है। या अल्लाह रहम करे, पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई, हमें फौरन अस्पताल चलना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ड्राइवर से कह दिया कि वो गाड़ी निकाले क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करेंगे। हाँ मिशी ठीक तो हो जाएगी ना, मेरे ख्याल से हमें फौरन चलना चाहिए। कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चले शावेस बेटा, मिशी कैसी है? हेरा का फोन आया, मेरी तो जान ही निकल गई, कैसे गिरी वो? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बस वो अचानक से अनकॉन्शियस होकर लड़खड़ा के जमीन पे गिर गई। मैं तो बहुत घबरा गया था, अल्लाह का शुक्र है बीजी वहां मौजूद थी। बस फिर हमने उसको उठाया और सीधा यहाँ हॉस्पिटल में लिया। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हेरा और हसन भाई नजर नहीं आ रहे, और बीजी? हाँ हाँ बीजी गई नमाज पढ़ने, और हसन बेग साहब की तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो हेरा आंटी उनको इमरजेंसी में लेके गई। या अल्लाह मिशी को जिंदगी दे, हसन भाई और हेरा की कुल कायनात तो मिशी ही है। कैसी मिशी? अल्लाह ने आपको दो प्यारी सी बेटियां दी हैं, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर अब वो उस दुनिया में नहीं है। शावेश बेटा हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा, बेटा हिम्मत से काम करो शावेश, हिम्मत से काम करो। चलो चल के देखते हैं, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अरे मेरा बेटा आ गया, आओ आओ। सर आपने मुझे बुलाया? बैठो बैठो। हेरा आंटी बता रही थी कि कल रात आपकी तबीयत फिर खराब हो गई। सर आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपना ख्याल रख रहे? अब क्या ख्याल रखना बेटा, जिसकी खातिर मैं जीता था वही छोड़कर चली गई, अब जीकर क्या करूंगा? सर प्लीज प्लीज सर ऐसी बातें ना करें, अभी तो मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है, मैं बहुत अकेला हो गया हूं सर। मिशी सिर्फ आपको नहीं मुझे भी तन्हा छोड़ गई है। ऐसे नहीं कहो बेटा, मिशी ने तुम्हें तना नहीं छोड़ा, अपने वजूद के दो टुकड़े तुम्हारी गोद में डाल गई है। मैं
मिशी ने अच्छा नहीं किया सर, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। दो घड़ी साथ चल के उम्र भर के लिए अकेला छोड़ गई मुझे। मैं इन दो बच्चों को अकेला कैसे संभालूंगा सर? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा सर, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा सर मैं ये। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से हमेशा घूमता रहता है, हम इसे रोकने पे कादिर नहीं है बेटा। कल मैं जहां बिल्कुल तन्हा अपनी एक बच्ची को गोद में लिए खड़ा था, आज तुम उसी जगह अपने दोनों बच्चियों के साथ खड़े हो। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा, हम सफर साथ हो तो सफर बहुत आसान हो जाता है, और तुम्हारे साथ तो दो दो हम सफर हैं। याद रखना, ये बच्चियां ना तुम्हें थकने देंगी और ना कहीं रुकने देंगी। शायद आप सही कह रहे हैं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को आप जितना प्यार दे सकूं। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा शाविज बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि आज से हमारी सारी जायदाद के कस्टोडियन तुम हो, और ये सारी जायदाद मेरी बच्चियों की अमानत है तुम्हारे पास। कल जब वो समझदार हो जाए तो उन्हें जरूर बताना कि उनके नाना ने उनको ये तोहफा दिया था। अंकल प्लीज इसे आप अपने पास ही रखें, अल्लाह वो वक्त लाए कि ये तोहफा आप अपनी बेटियों को अपने हाथ से दें। नहीं नहीं शाविज बेटा, ये जिम्मेदारी तो अब तुम्हें निभाना पड़ेगी अपनी औलाद के लिए। हमारा क्या पता, खैर वो बच्चियां कहाँ है? हीरा आंटी के पास है, मैं लेकर आता हूं। अगर आज तुम यहां होती तो देखती तुम्हारी बेटियां कितनी बड़ी हो चुकी हैं, कितनी समझदार हो चुकी हैं। मेरा बेटा मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। ठीक है, एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा एतमाद करना भी दानिशमंदी की निशानी नहीं है। बीस साल ऐसे गुजर गए जैसे रेल के लंबे सफर में छोटे छोटे स्टेशन गुजर जाते हैं। हम सफर के बगैर सफर कैसे कटता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आज तुम यहां होती तो देखती तुम्हारी बेटियां कितनी बड़ी हो चुकी हैं,
कितनी समझदार हो चुकी है। शाबाश बेटा, तस्वीर से बातें कर। वो तो अब रही नहीं, तो अब इसकी तस्वीर से बातें करना अच्छा लगता है। इम्तिहान रब की तरफ से होता है बेटा, और जब वो इम्तिहान लेता है तो हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है। और तुम तो इस इम्तिहान में खड़े उतरे हो। जिस प्यार मोहब्बत से तुमने अपनी बच्चियों को पाला है, हर कोई तो नहीं कर पाता, और मैं गवाह हूं इस बात की। अगर आपका साथ नहीं होता तो मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सब तो नसीब की बात है बेटा, सहारा तो मुझे भी चाहिए था, और इस छत ने मुझे सहारा दिया है, वरना अपने जानों के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। कैसी बातें करी है? ये घर आप ही का तो है। अच्छा चलो, बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाना है, चल के नाश्ता कर लो। ये सब क्या है बेटा? कितनी बार आपको समझाया है कि इस तरह के कामों के लिए नौकर चाकर हैं घर में, आप ये सब काम क्यों करती हैं? आप प्लीज अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज। डैडी, मुझे आपके लिए ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। वो सब तो बेटा ठीक है, मगर मगर डैडी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी मगर दूसरी शादी नहीं की, तो क्या मैं अपने डैडी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो सब तो ठीक है बेटा, पर क्या सारे फराइज सिर्फ तुम्हारे ही हैं? उसका कोई फर्ज नहीं? छोड़े ना अम्मा भी, वो तो है ही हम सब की लाडली। बाय द वे, वो है कहाँ बेटा? नाश्ते पे अब तक आई नहीं, काफी देर हो चुकी। तुम तो जानते हो बेटा, अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, हमेशा ही देर करती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। है ना, चलो हमें देर हो रही है बेटा, नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता तो कर लो।
डैडी मैं कैंटीन में सब खा लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। हिना चलो। नेता तुम्हें नाश्ता नहीं करना तो ना करो, उस बेचारी को तो ढंग से नाश्ता कर लेने दो। अम्मा भी हमें ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, मैं कितना वेट करूँ हिना, चलो। हाँ ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ। तुम बैग लेकर आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट करी। आज फिर वो रात को घर नहीं आया। कौन? तुम्हारा बेटा शहाब और कौन? रात रात भर घर से गायब रहता है, कहाँ होता है, किसके साथ होता है, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। तो तुम मुझे अब बता रही हो? ओहो, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो अक्सर रातें घर से बाहर गुजारता है। खुदा ना खास्ता किसी बुरी सोहबत में पड़ गया तो हम तो मुश्किल में फंस जाएंगे ना, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और मैं दुनिया वालों की बातें नहीं सुन सकती, आखिर सोसाइटी में मेरा कोई रख रखाव है, इज्जत है। मैं तुम्हारे रख रखाव को भी जानता हूँ और अपने बेटे को भी जानता हूँ, तुम उसके लिए फिक्रमंद ना हो, मेरा बेटा मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। ठीक है, एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा एतमाद करना भी दानिशमंदी की निशानी नहीं है। आखिर उससे पूछो तो सही, रातों को बाहर आखिर करता क्या है, काम काज तो कोई उसके पास है नहीं। देखो फरक, तुम वजह अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी ये कहोगे कि उसकी वजह मैं हूं, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं सका। मैं तो उसका इतना ख्याल करती हूँ कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि अपनी बहन की बेटी की शादी उसके साथ करूं। तुमने फोन करके उसे पूछा कि वो कहाँ है? मैं अगर फोन कर भी लूँ ना तो कोई फायदा नहीं, वो मेरा नंबर देखते ही फोन काट देगा। तुम बाबो खुद ही फोन करके पता करो ना कि आखिर वो है कहां। आज फिर देर कर दी ना तुमने, तुम्हें पता है प्रोफेसर खालिद कितना डांटते, और तुम ये सुबह सुबह नाश्ता बनाने में क्यों लग जाती हो है ना? निदा मेरी वजह से देर नहीं होती। क्या मतलब है? फिर किस वजह से होती है? किसी की वजह से नहीं होती, गाड़ी आराम से चलाओ, रिलैक्स। मैं गाड़ी चला लूंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी वजह से देर होती है। ओफो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही, गाड़ी आराम से चलाओ, एहतियात से। सर खालिद कितनी बातें सुनाते तुम्हें मालूम नहीं है, बातें तो छोड़ो बच्चों की तरह सजा देते हैं। आज फिर असाइनमेंट मुझे 10 मरतबा करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। निदा क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो कि गलती मेरी है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, और मेरा जो नुकसान हुआ है ना इसकी भरपाई भी आप ही करेंगे। चलो आज मुझे अपने बाप के सामने बता ही दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ज्यादती की है जो तुम मेरे साथ हमेशा इसी तरह का सलूक रखते हो। सोतेली सही, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप इनकी बीवी जरूर है लेकिन मेरी माँ नहीं। डैडी मैंने उस लड़के को आपका कार्ड भी दिया है ताकि उसका जो भी नुकसान हुआ है इसकी वजह से वो आपसे आके मिले। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं मेरे दुखों के, हर सू